एक आग सी हम लगाने आ गए, इस सहरा में गुल खिलाने आ गए। अगम अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, हम फिजा में खुशी फैलाने आ गए। नहीं पाजी, बड़े अजीब जी लोग, बदतमीज लोग। क्यों? मुंह छुपाकर हर जगह पैसे मांगने वाले खड़े हैं, हर गली में खड़े हैं। ओए होए, यार पैसे वापस ही मांगने थे, उधार दिया क्यों था? हर गली में खड़े हैं आप, तो ये नहीं कि सलाह करके आप सब लोग एक गली में शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारा आना जाना आसान हो जाए। बदतमीज लोग, अब तो इतने ढीठ हो गए ना बाजी, मैं भेष बदल के जाऊं तभी पहचान लेते हैं। उस दिन मैं साड़ी पहन के चला गया तभी पकड़ा गया मैं। गलती मेरी थी एक्चुअली, मैं भी साड़ी पहन के ना जेंट्स वॉशरूम में घुस गया। अरे आजकल तो किसी का उधार मारने का जमाना रहा ही नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ जिसने उधार लेने का सिस्टम शुरू किया था ना, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और जिसने उधार वापस करने का, गोली मार दो खड़ा करके बीच में। ये पॉलिसी ठीक है तेरी, बिल्कुल ठीक पॉलिसी। लेकिन पाजी मैं आपको एक बात बताऊं, उधार मांगने के फायदे बड़े हैं। आप किसी उधार ले लो, सारी उम्र आपको याद रखेगा। दुनिया इतनी मतलब कोई किसी को याद नहीं रखता। मेरे परदादा जी अंग्रेज आज तक याद रखते हैं, उन्होंने चीज ऐसी उधार मांग ली थी, किसी की बीवी उधार मांग के ले गए। और फिर अंग्रेजों ने ऐसी जगह लाठियां मारी है ना, परदादा सब्जी बाजी लाने के सिवा और कुछ करने का लायक रहा ही नहीं। और कल तो हद होगी बाजी, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई ये गरम मसाला उधार देना मेरे को। मेरे को कहता चल बे जाके खिचड़ी खा। मेरे को तेरे को कैसे पता हम लोग खिचड़ी बना रहे? कहता बुआ तेरी दाल चावल उधार लेके गई है, दादी तेरी नमक मिर्च। अब जब तक तेरे को मैं गरम मसाला नहीं दूंगा पुलाव बनने से तो रहा, चल जा खिचड़ी खा। कितने कमीने लोग हैं कसम से। पाजी आपको पता है मैं कितने काम ट्राई कर चुका हूँ, मेरा कोई काम चल नहीं रहा। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना अपना ऊपर वाला कमरा मैं किराए पे दे दूं। वाह, चार पैसे आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियंस, सिद्धू पाजी ने भी एक बार ना अपना एक बंगलो किराए पे दे दिया था लड़कियों को। महीने बाद जब किराया बड़े खुश कहते वाह भाई इसके पैसे मिलते हैं, ठोको ताली। यहाँ बड़े शहरों में लोग पता कैसे रहते हैं किराए पे, 11 महीने के एग्रीमेंट करते हैं। उधर छोटे शहरों में चले जाओ एक एक साल तो झूठ बोल के रह जाते हैं। मैं जी आपके बाल वाले जो फूफा जी ना उसकी सगी दरवानी का उसका मैं भतीजा हूँ, इस चक्कर में रह जाते हैं। और साल तक वैसे रिश्तेदारी पड़ जाती है, किराया देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे दोस्त बंधु होंगे जो किराए पे रहते होंगे या जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया है। कोई है यहाँ पे ऐसा मेरा भाई? अरे वाह, आप तो शक्ल से मालिक मकान लग रहे हो आप, पले पलाए मालिक मकान। जी सर, भारी भरकम। अरे वाह, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप उठे कैसे? नहीं नहीं, ओके। आपने मकान किराए पे दिया है या किराए पे लिया है आपने? दिया है। किराए पे दिया है जी। और आप तो पेट पे भी किराया देते हैं, 3000 किराया तो इसका हाल है। किनको दिया है आपने मकान किराए पे? दो लड़की को। दो लड़कियों को दिया है जी। तो कैसी हैं लड़कियां? लड़की तो तो आपने लड़कियों को मकान किराए पे दिया है जी। तो किराया लेने कौन जाता है, भाभी जी जाती हैं कि आप खुद जाके माफ करके आते हैं किराया? मैं खुद ही आता हूँ। हाँ जी, मैं खुद ही आता हूँ और लेके आता हूँ, खुद जाके किराया लेके आते हैं। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या लड़कियां वैसे कैसी हैं? लड़कियां घर तो बिखरा पड़ा रहता है। नहीं नहीं, शक्ल के हिसाब से अच्छी है दिखने में, क्या करती है? शर्मा घर घर बिखरा पड़ा रहता है सामान इधर उधर। अच्छा, नहीं लड़कियां कैसी हैं यार, कमाल है, सामान को मार गोली। सारा सामान बिखरा रहता है उनका। तो आप इतनी अंदर तक जाते क्यों, आपको उनका सामान नजर आया? चलिए थैंक यू सर, क्या नाम बताया आपने अपना? भरत। शुक्रिया भरत जी, थैंक यू भरत जी के लिए जोरदार तालियां। पाजी अच्छा, कई लोग मकान ढूंढ लेते हैं किराए पे, बाद में मालिक मकान को खुद तंग करते हैं, जैसे किराया लेट देना या देना ही नहीं, बिफर जाते हैं आगे से, जाओ करवा लो खाली करवाना। तो हाँ। यहाँ पे कोई ऐसे दोस्त है हमारे जिन्होंने कभी किराया ना दिया हो एक आध महीने? वैसे मुझे पता है ऐसे लोग खड़े नहीं होते वैसे, कोई है ऐसा? अरे वाह, सत्यवादी, ये शरीफ आदमी है, खड़ा हो गया जी। आपका क्या नाम ब्रदर? आशीष। आशीष बर्थडे। आशीष, आपने किराया नहीं दिया अपना? नहीं दिया सर। कितनी देर से नहीं दिया? 2 महीना हो गया। तो क्यों नहीं दिया किराया आपने? थोड़ा सा खर्चे पानी इसके वजह से,
स्ट्रगल चालू था इसकी वजह से. स्ट्रगल चालू है तो स्ट्रगल करिए ना. यहाँ बैठ के आप शो देख रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा आपको? नहीं सर, क्या आपका शो देखूंगा तो मोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर ज्यादा काम करूंगा तो. अरे चलो थैंक यू ब्रदर, आप ऐसे ही आते रहे, यहीं पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा. हम लोग भी फ्री बैठे हुए यहाँ पे. चलो थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया. थैंक यू सर. जैसे ये मेरा भाई बिल्कुल सत्यवादी था, पूरा मान गया कि मैं किराया नहीं दिया मैंने 2 महीने से. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टाइम पे किराया देते हैं. मैं देखना चाहूंगा कैसे लोग होते हैं वो. ऐ तेरी अच्छा क्या बात है. अरे वाह, आप बाद में आए, आपका पेट पहले ही आ गया था. किराया बिल्कुल टाइम पे देते हैं. यस सर. इतने पैसे हैं तो अपना क्यों नहीं ले लेते घर? उतने ज्यादा भी नहीं है. अरे चलिए बढ़िया, आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं? हाँ जी. हैं? अफसोस. आप कभी जब किराए का घर ढूंढने जाता आदमी तो स्पेशली कुछ चीजें देखते हैं आदमी की, मार्केट पास हो ऐसा कुछ देखते हैं आप? हाँ जी देखते हैं. क्या देखते हैं आप जब किराए का घर ढूंढने जाते हैं? पहले किराए का, सबसे पहले पहले कि वो वस्तु शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए. अच्छा. और बाथरूम बहुत बढ़िया होना चाहिए. बाथरूम? हाँ जी. जैसा आपका पेट है आपको बाथरूम का ध्यान रखना भी चाहिए. बाथरूम में ज्यादा दिल लगता है. अच्छा टाइम पास होता है. क्या ऐसा कौन सी वीडियो गेम होती है आपकी बाथरूम में? क्या नाम बताया सर आपने अपना? दिलीप खानवानी. थैंक यू दिलीप जी. ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, अच्छी सेहत रहती है. बुजुर्गों ने भी कहा है, डॉक्टर भी कहते हैं, हंसना खेलना चाहिए, सेहत बनी रहती है. हम तो आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप भी हमारी सेहत का कोई ध्यान रखिए. आपको कुछ खास नहीं करना है, खाली फोन उठाना है और डायल करना 5056-88-299 और आपको एक अच्छा सा चुटकुला सुनाना है. अगर आपका चुटकुला हम सबको पसंद आ गया तो आप हो सकते हैं उन 4 लकी विनर्स में से जो यहां पे आएंगे और लाइव यहां पे आके ऑडियंस को हंसा सकते हैं. तो ठोको ताली पाली के स्टाइल में. पाजी मैं बहुत सोच विचार करके इस नतीजे पहुंचा हूं कि आपको अगर अपना मकान रेंट पे देना है तो किसी शादीशुदा आदमी को दो. बिल्कुल. क्योंकि जैसा मैं हूं ना, मेरे से ना नहीं होती पाजी. किसी बैचलर लड़की को दे दिया, मेरे से किराया मांगा नहीं जाना, उसने देना नहीं है. कमरा किराए पे भी देना, कमरे का फायदा भी कोई नहीं. तो इसलिए मैंने सोचा मैं जिसको भी मकान दूंगा शादीशुदा को ही दूंगा. ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप किराएदार रखने वाले बताए नहीं मुझे. तो फिर क्या, उसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कई बार तुम्हें बिना बताए हम लोग पूरा पूरा एपिसोड शूट कर लेते हैं. मेरा कहने का मतलब था कि कोई और घर में आके रहेगा तो हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी. कौन सी प्राइवेसी नहीं रहेगी आगे? कौन सी प्राइवेसी? इतनी प्राइवेसी होती तो हमारी छोटी छोटी प्राइवेसियां घूम रही होती यहाँ पे. कौन सी प्राइवेसी हमारे घर में? कौन सी प्राइवेसी बाजी? मैं नहाता हूँ, ये बाहर खड़ी रहती है. ये नहाती, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ. कभी कभी दोनों नहाते, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा रहता है. काहे की प्राइवेसी हमारी? नहीं पारी बताइए, उस दिन हम लोग छत पे सो रहे थे, चादर ओढ़ के बैठा हुआ हूँ, गुप्ता जी आगे अपनी चादर पहचान के ले गए. हमारी क्या प्राइवेसी बताइए? अरे हमारी पति पत्नी की कुछ प्राइवेट बातें भी तो होती हैं. कौन सी बातें होती? हमारी एक ही बात होती है, सुबह मोहल्ले में से निकलेंगे कैसे, उधार लाएंगे कहाँ से, और हमारी कौन सी प्राइवेट बात होती है? अरे लेकिन मुझे तो कोई नहीं रोकता. कल ही तो मैं सिग्नल के पास से मैं उधार मांग के लाई थी. सिग्नल के पास से? हाँ. उधार नहीं, उसको भीख बोलते हैं सिग्नल के पास से. माइंड योर ओन बिजनेस. कौन सा तेरे बाप ने आटे की मिल लगवा के दी मेरे को यहाँ? खबरदार तू मेरे बाप पे गए तो उन्हीं के दिए हुए सामान से पूरा घर चल रहा है. क्या दिया तेरे बाप ने? मेरा मुंह मत खुलवा जाके. बाजी मेरे को शादी वाले दिन पता क्या कहते? कहते दमाजी सिलाई मशीन बढ़िया सी टिप टॉप आपकी गाड़ी में रख दी डोली वाले टाइम पे. बाद में देखा ना उन्होंने सुई डाके डिब्बा मेरे को दे दिया. अबे मैंने कहा मेरे को क्यों दे रहे सुई डाके का डिब्बा, खुद ही इसके होठ सिलके क्यों नहीं भेज देते? देखो बकवास बंद करो, समझे तुम? पाजी हमारे घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है. अच्छा? हम बहुत प्यार से रहते, सब मिल बांट के एक ही साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं. लवी लवी. प्यार नहीं, उसका मजबूरी बोलते, दूसरी प्लेट है ही नहीं. तो एक ही प्लेट में खाओगे ना तुम लोग. बदतमीज कहीं के बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं है. तुमसे ज्यादा अच्छा बिहेवियर तो मेरे डॉग का है. कितना ज्यादा वेल ट्रेन्ड है वो पता है तुम्हें? वेल ट्रेन्ड होगी. बातें करते करते हमने बाहर निकल जाना, उधर जा हमारा. काय का ट्रेंड तुम्हारा है? डॉगी कौन सा ट्रेंड? मैं बताता हूँ काय की ट्रेनिंग दी इन्होंने डॉगी को. लोग अपने डॉग को ट्रेनिंग देते ना, घर में कोई आए तो अच्छे से बिहेव करना, इन्होंने चोरी करने की ट्रेनिंग दी हुई भाई. मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जब कभी जाता हूँ मेरे सामने रोता है बेचारा, मेरे को देख के मैं क्या हुआ कहता भाजी 5,000 में खरीद के लाए थे, 1.5 लाख की चोरी करके दे चूंगा आप तक.
कहता दिन में 10 रुपए का दूध भी लाते हैं, सारा दिन में 250 रुपए की चोरी करके देता हूँ। कहता मैं जिंदगी में पहला डॉगी जो दो टांगों पे चलता हूँ, हाथ में लिफाफे पकड़े होते बेचारे ने। क्या बात कर रही तू? खबरदार तुमने मेरे डॉगी के बारे में कुछ बकवास की तो। 3 टाइम हम उसे चिकन खिलाते हैं। Once in a year, ना? Everyday. अबे जा, क्यों झूठ बोल रही? भगवान को जान देनी है, अपने डॉगी को 3 टाइम चिकन खिलाते हो, 1 टाइम दाल तुम्हें नसीब नहीं होती कभी। आए बड़े दिन तो चिकन खाने वाले। उसने इसकी सहेली आई, मैं बताऊं बाजी इसकी करतूत क्या करती है। क्या इसकी सहेली आई, कह रही चलो गुरुद्वारे चलते हैं, कह रही तू चली जा मैंने तो डिनर कर लिया। अबे जा, किसको बना रही तू? और मेरी बात सुन ध्यान से, हमें किराएदार रखने का मेरे को कोई शौक नहीं है। किराएदार रखेंगे 4 पैसे आएंगे, भरपेट खाना खाने को मिलेगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, और जो भी किराएदार रहेगा वो मेरी मर्जी का होगा। तुम्हारी मर्जी का दीमक नहीं रहता घर पे, तेरी मर्जी का किराएदार कहाँ जाएगा? और कोई आए ना तो स्माइल करके दरवाजा खोला कर, कोई आए तो अभी किराएदार आएंगे मैं ऐड दे के आया ऑफिस। ओके ठीक है, और अच्छी स्माइल देनी है। ये वाली कौन सी स्माइल? अच्छी सी स्माइल देनी है, अच्छी सी। ये मुंह फाड़ के स्माइल देनी, इतना मुंह खोलती ना आप पूरी डीवीडी डाल दो ऐसे करके आप। उस दिन इसकी दाढ़ में दर्द हो रहा था, मैं डेंटिस्ट के पास लेके आया, उसका ना मुंह खोलो, इतना बड़ा मुंह खोला इसने ऐसे करके ना। वो कहते बहन जी मेरे को बाहर से चेक करना, अंदर बैठ के नहीं करना, इसको बंद कर लीजिए। हाँ तो मैं भी होटल की रिसेप्शनिस्ट नहीं हूं जो प्रोफेशनली स्माइल करूं। तू प्रोफेशनली स्माइल कर भी नहीं सकती, रिसेप्शनिस्ट बन भी नहीं सकती। ये केकड़े जैसा मुंह लेके जाएगी ना, कौन रखेगा तुझे रिसेप्शनिस्ट? आप ध्यान से देख लो, कभी भी आप इसका नाक देख लो, 24 घंटे ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुछ ना कुछ सूंघ रही है। मैं आपको बताता हूं उस दिन पता क्या हुआ। हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े, वो CISF वाले आए जो आते ना पुलिस वाले, कहते भाई साहब हमारा डॉग स्क्वाड अभी तक आया नहीं है, तो मैडम से कहिए सूंघ के बता दें कि बम तो नहीं रखा हुआ। इसने 150 सूटकेस चेक किया है, कहती बम तो नहीं निकला, लेकिन वो येलो वाले में जो आपने हींग का चार रखा थोड़ा सा निकाल के दे देंगे। इतनी सुंगन शक्ति तेज है इसकी। तुमको इतनी प्रॉब्लम है मेरी मुंह से, तो शादी क्यों की? शादी क्यों की पाजी? अब आदमी के सामने मिठाई पड़ी हो, खाते वक्त ये थोड़ी ना सोचता है कि ये पेट खराब कर देगी बाद में। और वैसे भी ये तो वो मिठाई है जिसकी दिवाली के दिनों में खबर नहीं आती। पकड़ा गया नकली मिठाइयों का भंडार, जिसे खाकर पूरा का पूरा शहर बीमार। देखो बहुत हो गया, मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि घर वालों ने डिसाइड किया कि जो भी किराएदार आएगा वो शादीशुदा होना चाहिए, बैचलर नहीं। अरे तू क्या डिसाइड करे, मैंने तेरे यार से पहले डिसाइड किया, पाजी से पूछो। मैंने कहा जिसको मैंने किराएदार रखना है वो शादीशुदा ही होएगा। ओह सो स्वीट, पहली बार इतने अकलमंद वाली बात की है तुमने। हां मैं अक्सर भी करता हूं। हट जा यार, और हट जा। अर्जा मतलब खूनी मार रही मुंह पे, चल आ जा। प्यार नहीं रास आता, हटो। प्यार नहीं रास आता, काम के टाइम पे इन बीवियों को ना प्यार रास आता है। अरे काम के टाइम पे प्यार करना तो हम सेक्रेटरी ने रख ले। पाजी 1 घंटे से मैं खबर दे के आया हूँ अखबार में, अभी तक किराएदार आया नहीं। आने वाला है। वैसे बहुत भारी है, 1 मिनट। हाँ मिस्टर शर्मा जी का घर यही है जी, बताइए। मेरा नाम लवली है। वो आपका जो किराएदार का इश्तेहार था वो देख के आई हूँ। अच्छा अच्छा, वो देख के आई हैं आप, तो काफी लेट हो गई। आपने किराएदार रख लिया? नहीं नहीं वैसी बात नहीं, आप अगर 5 साल पहले आ रही थी घर की मालकिन होती आप। Funny. I am so funny. इसलिए तो शो हिट जा रहा है। Even झलक दिखला जाए इस रेटिंग वेल। वैसे करती क्या है आप? मैं एयर होस्टेस हूँ। यार कपिल तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे मिली ऐसी खुशहाली है। मोहतरमा किराएदार की जरूरत तो इधर भी है, दिल का एक कमरा इधर भी खाली है। छोड़ना मत पाजी, आप भी मौका। एयर होस्टेस है आप जी? कौन सी एयरलाइंस में? प्रिंग फिशर में जी। ये ना प्राइवेट एयरलाइंस वाली कमाल होती है पाजी, मतलब मैं आपका पर्सनली बड़ा फैन हूँ। एक सरकारी वाली होती है, प्राइवेट वाली इनका एक अलग ही पाजी तो जलवा अलग होता है। पता आप कभी लेट हो गए ना एयरपोर्ट पे, इनकी अनाउंसमेंट बड़े प्यार से करती है। कॉल फॉर मिस्टर शर्मा फॉर फ्लाइट नंबर 225, वी आर गेटिंग लेट, कहाँ हो प्लीज। आदमी बाथरूम गया होता ना
तो बीच में छोड़ के आया था, कहता गोली मारी है तो आता रहता है, ये कभी रोज थोड़ी बुलाएगी। होता है इनका थोड़ा मसला अलग होता है बाजी, ये अनाउंसमेंट भी बड़े प्यार से करती हैं। जहाज के दो द्वार आगे हैं, दो पीछे हैं। आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं जहाज को पानी में लैंड करना पड़े, अपने अपने ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिएगा। बड़ा प्यार, दिल करता है कि नहीं यार मरें तो साथ में मरें, अलग नहीं। दूसरी तरफ सरकारी वाली वो टेंशन लेती भी, जहाज हिल रहा है ना, पैसेंजर ऐसे देख रहे हैं उसको, वो परवाह नहीं करती, वो खुद ही बोलती बैठ जा 40 साल से काम कर रही, कुछ नहीं होता। ये खाना भी बड़े प्यार से पूछती है, What would you like to have, Mr. Sharma? Aye. We have something in veg and non-veg. Aye. Adi Pursa, what is there in veg? Everything. Aye. What would you like to eat? Banda mangta hi kuch nahi ki nahi iske samne thodi rap banani hai. I would like to have some juice. Juice leke aati, fir uske bare mein puchti hai. Have you enjoyed your juice? Aye. Banda aur formality mein, yeah, it was just close to my heart. Aye. Unse aap puch lo, khaye hain kuch? Nahi. Kya hai khane mein? क्या खाएगा? तंदूरी नान। पाप की शादी में आया? Anyway, आपका घर बहुत बड़ा है, लेकिन you know what? यहाँ पे दो द्वार आगे होने चाहिए थे और दो द्वार पीछे होने चाहिए थे, ताकि आपातकालीन स्थिति में मैं सुरक्षित यहाँ से निकल जाती। अरे आप चिंता ना करें, कभी हवा का दबाव कम हो जाए ना, मैं खुद आऊंगा ऑक्सीजन देने आपको। Very sweet. वैसे किराया कितना लेंगे आप? Only 10,000, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? I'm sorry, ये बहुत ज़्यादा expensive है। हम तीन लड़कियाँ साथ रहती थी और 12,000 रुपए देती थी। आप 6 लड़कियाँ लेके आइए, मैं 2,000 जेब से ना दूँ तो कहना। बात वो नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जो किरायेदार है वो शादीशुदा ही होना चाहिए। Excuse me, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। Oh God. क्यों, क्या हुआ? नहीं, शर्तों के हिसाब से प्रॉब्लम हुई है, इंडिविजुअली तो मेरी बड़ी खुशी हुई। मतलब बिल्कुल शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। इतनी सी भी नहीं? क्या मतलब? मतलब ये एंगेजमेंट वगैरह? नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग ना बैचलर्स को ज्यादा देते नहीं तो। ओके, पर आप ऐसा नहीं कर सकती, आप इतना प्लीज कर रही है तो मैं इतना बेरहम नहीं आपको जाने दूं। मैं आप रह सकती हैं यहाँ पे। प्लीज नहीं बोला। पर आपका प्लीज बाहर आ रहा था, गले तक आ गया, मैंने देख लिया है। आप इस घर में बिंदास रह सकती हैं, ये घर आपका अपना है, मैं आपका अपना हूँ, आप क्यों ऐसे करेंगी? मतलब अरे आप हमारी जान है, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? ये जो अरे वाह जीजू, ये अपने घर में लेडी बच्चन साहब कौन है? क्यूट। ये आपके नेफ्यू हैं? अरे नहीं, नेफ्यू लगता है मेरा, ये मैं इसका जीजा हूँ, ये मेरा नौकर है। ए, ये हमारी नई किरायेदार है, ऐसे नहीं बात करनी। किरायेदार है? अरे वाह, तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है? जी। जीजू, अभी के अभी इसी वक्त इसको बोलो मुझे गले लगा ले। अपने आपको देखा तूने? तेरे से लंबी हील पहनी हुई इसने। गले लगा दो। क्या है जीजू, ये हील की वजह से लंबी लग रही है, हील उतरवा कर देखो। पक्का? मैडम, कैन आई टेक योर हील? फाइन। वाओ, ये देखो। नहीं भी, हील तेरे से 2 इंच छोटी है, तू सही कर रहा था। जीजू, कोई भी मेरी हाइट के बारे में बात नहीं करेगा, अदरवाइज मैं इनको हक कर लूंगा। हेलो। हाइट की बात नहीं करेगा, हाइट की बात से उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक चीज, कहीं पे पोस्टर लगा देख लेना, कितनी इस दिनों में कद लंबा करे, गुस्से में आके पोस्टर फाड़ देता है, छाती पीटने लगता है अपनी। दीदी, दीदी को मत बुला। हिरा, दीदी को क्यों बुला रहा है? दीदी को क्यों बुला रहा है? अरे तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? अरे बेइज्जती नहीं कर रहा मैं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ खड़े खड़े ना थक गई हूँ। अरे किराए पे नहीं देना है अपना कमरा तो मत दो, कम से कम 2 लाइन्स तो दे देते यार। अरे कब से आपको लाइन दे रहे हैं? Just look into my eyes. बहुत लाइन दे रहे हैं आपको। जीजू, यहाँ ये। अगर आपने इसे लाइन दी ना तो मैं दी 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 तेरी दीदी है। सुन, तेरी दीदी को पता नहीं चलना ये अनमैरिड है, ठीक है? हाँ। एक दो दिन संभाल लेते चुप चुपा के, उसके बाद मैं उसको मना लूंगा। मैडम देखिए, अच्छा। मेरी बीवी को थोड़ी प्रॉब्लम है कि अनमैरिड लोगों को कमरा नहीं देना, अब थोड़ा सा कॉपरेट करें तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? एक काम कर, अब इसको मैडम को ले जा। हाँ। और तेरी दीदी को पता नहीं लगना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है?
चुपचाप जाके छुपा दे, ठीक है? हाँ ठीक है। बेटा, बिच्छू, ला ला ला, बिच्छू, हाँ, बिट्टू ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही थी? एक तो दादी तू शराब पी के आ जाती है, तेरे कान बजने लगते हैं, लड़की की आवाज आ रही, लड़की की आवाज आ रही। चल हट, आज तो मैंने इतना सभी नहीं पिया। देखा मैंने कहा ना, जिस दिन नहीं पीती है उस दिन इसके कान बजने लगते हैं। बिट्टू बिट्टू इतना हंगामा क्यों मचा रखा है? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है कार में? ये सैंडल किसकी है? पकड़े गए, ये मेरी है। तेरी है? हायो रब्बा, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनने का शौक तुझे कब से हो गया? वो बड़े बड़े लोग नहीं आते यहाँ पे, तो मैंने उसको कहा कि आप सब लोग बड़े बड़े लोग हो, मैं कैसे बड़ा बनूं? तो कहते हैं बड़े होने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, तो बड़ा सोचने के लिए मैंने बड़ी हील वाले सैंडल ले लिए, तो ऐसे बड़े बड़े चलते ना। पर्स किसका है? ये भी मेरा ही है। पर्स का क्या करोगे? अब हील पहनूंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा, चार पैसे आएंगे तो कहाँ रखूंगा, इसलिए बैग लिया मैंने। मुझे शक हो रहा है कोई गैर लड़की है। हाँ। तू ये गैर, हम तो सब फैमिली मेंबर है, तू ही बाहर में ब्याह के आई है। शट अप, मुझे शक हो रहा है कोई लड़की की स्मेल आ रही है। इधर जाके सूंघ लेना, इधर क्या सूंघ रही है? देख तो ना, इसकी सूंघने की वजह से मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ, अब फंस जाता हूँ मैं, फंस जाता हूँ। मेरी बात सुनो डार्लिंग, सुनो ना, कैसे कितनी प्यारी लड़की हूँ, सुनो मेरी बात, क्यों पहनती है ऐसी साड़ियाँ, खुद ही गिर तू, मरती तू, ऊपर से हील पहन के आती, बता क्यों देती, तेरी असली हाइट है क्या? अरे सुन ना, नहीं बात सुनो, शादीशुदा किराएदार कोई मिल नहीं रहा, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना किसी बैचलर लड़की को रख ले मेरे ख्याल से। देखो लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ पोता पोती होनी चाहिए। अरे मम्मी जी, तेरे को हर जगह पोता पोती चाहिए, पोता पोती चाहिए। अरे हम लोग किराएदार की बात कर रहे हैं। किराएदार को हर किस नहीं, मैं किराएदार नहीं रखने दूंगी। एक तो वैसे ही घर में बच्चे हो नहीं रहे, किराएदार आ गए तो 6-7 साल तो और बच्चे नहीं हो गए। बोलो ए दादी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो आ जा तू भी सुन, लड़की रख लेते हैं, लड़कियां डिस्टर्ब भी नहीं करती। नहीं नहीं, कोई लड़की नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके हस्बैंड ने लड़की रखी और कुछ दिनों बाद उसी से शादी कर ली। अरे यार, हर किसी के साथ थोड़ी ना ऐसा होता, हर किसी की किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती है। क्या? कहने का मतलब है कि ठीक है घर में क्लेश मत करो, आप अंदर जाओ, किसी लड़की को नहीं रखेंगे, जो तुम कहोगे रख लेंगे। कहाँ से निकली है? ए भाई, ए, हमेशा घर में से कॉकरोच छिपकली निकलती, लड़की निकली, पार्टी मनाओ भाई, पार्टी मनाओ। एक मिनट मुझे देखने दो, ये है कौन? ये भाभी बहन है? मतलब हम दोनों की भाभी, तुम तीनों की बहन। एक सेकेंड, किसकी भाभी और इसका हस्बैंड कौन है? मेरे हस्बैंड, ये मेरा दोस्त नहीं है सुनील, सुनील जो आता है यहाँ पे उसकी वाइफ है। सुनील ने भी शादी कर ली मम्मी जी। बेटी। अरे एक सेकंड, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अब ये है। हाँ। सुनील लंदन जा रहा 2 महीने के लिए ना। हाँ। तो चला गया, मैंने कहा भाभी हमारे घर छोड़ दो, आखिर हमारी भाभी तो है। हाँ, भाभी है। सुनील जी, तू लंदन आ गया है? भाभी नमस्ते। क्या भाभी जी, बात मत करो, शादी कर लिया बताया भी नहीं। बस भाभी जी क्या हुआ, बस वो जल्दी जल्दी में सब हो गया तो पता नहीं चला, सॉरी। और शट अप, शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, वो भी मनी प्लांट जैसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरा मनी प्लांट कब देख लिया? है? आपने मेरी बीवी कब देख ली? ये क्या, सामने तो खड़ी है ये मेरी बीवी है। अरे तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर घर में होती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बीवी को पहचानने से मना करा, चल तेरी बीवी ऐसे नहीं करता, चल थोड़ी बोल, चल चल। शुरू शुरू में ना थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। हाँ, हाँ।
बेबी हनी आई प्रॉमिस यू आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं दूंगी मैं आई प्रॉमिस परेशानी तो मुझे अब हो रही है चलो 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 यहां से चलो जहाज को क्या जहाज अपने अपने पर झाड़ेगा फिर उठ जाएगा जहाज निकल यहाँ से Excuse me, आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझसे पूछो मैं कौन हूँ जरा बताओ इन्हें मैं कौन हूँ? कौन है? कौन है? क्या बोलूँ? मुझसे क्या पूछ रहा है जो है वो बता दे। ये मेरी बीवी है। क्या? बेबी, तुमने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कब की? एक मिनट ओ खंबे जैसी खड़ी है दूसरी शादी तूने की है पहली शादी मैंने की है मैं इसकी पहली बीवी हूँ ये देखो मंगल सूत्र है बिट्टू तेरा दोस्त तो बहुत बड़ा उल्टा निकला ओए एक तो मनी प्लांट लेकर घूम रहा था अब गमला भी साथ में ले आया बुआ गलत मत समझो मैं आपको सच सच बताता हूँ क्या बात है सुनो तू क्या सच बताएगा बे अपनी बीवी से झूठ बोलता है तू क्या झूठे मकार अपनी बीवी से झूठ बोलता है कीड़ा पड़ेगा तुझे मकार आदमी कहेगा जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा हाँ। तेरे जैसे आदमियों की वजह से कहावतें बनी है जिसकी लाठी उसी की भैंस ये कहावत कहाँ से फिट होती है ये कहावत इस मौके पे कहाँ से फिट होती है क्यों लाठी भी तेरी भैंस भी तेरी आ गई मेरी बात सुनो आप लोग ऐसा मत समझो पहले मेरी भी बात सुनो पूरी भाभी आप इसकी मत सुनना आप जो करना चाहती करिए आप मारिए ले जाइए घर हमें चाहिए भाई साहब आप कितने अच्छे काश आप मेरे पति होते एक मिनट कोई मेरी बात सुनेगा यहाँ पे मैं इसको जानता तक नहीं हूँ इसने मुझे इशारा किया कि मान ले तेरी बीवी है मुझे अच्छी लगी मैं मान गया क्या तूने इसे इशारा किया हाँ मैंने किया था इशारा और कोई भी आदमी अपनी माँ की पेट से इशारा करने के लिए पैदा नहीं होता उसको इशारा करवाते हैं के इसका भाई वो और टिंगू मुझे जीजू ने कहा था जीजू एक मिनट excuse me इन्होंने कहा था मुझे शादीशुदा होने की एक्टिंग करने के लिए कहाँ फंसा दिया मुझे एक मिनट मेरे को पूरी बात क्लियर करने दो भड़कने की जरूरत नहीं है देखो बात यहां से शुरू हुई थी मैं आप सारी बात ये बैग आपका देखिए दादी राजस्थान तुम्हें पता है ना राजस्थान के श्री गंगानगर उससे 100 किलोमीटर दूर अब बहुत पड़ता भाई आपको तो पता ही होगा बिल्कुल तो वहां में मेरा दोस्त रहता है अंबर मैं तो भाग रहा हूं उधर सिद्धू भाजी आपको पता है हम लोग अपने घर में कितनी मस्ती करते हैं तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस मस्ती को थोड़ा और बढ़ाया जाए और ये मस्ती सस्ती नहीं और मैंने मस्ती करने के लिए 3 ऐसे बदमाश कलाकार बुलाए हैं जो आप सबके चहेते भी हैं जोरदार तालियों से स्वागत करिए रितेश देशमुख विवेक ओब्रॉय और आफताब शिवदासानी जी
कहावत है, जो हंसती है वही फंसती है जी। हर शादी शुदा शख्स के दिल में घरवाली के अलावा एक बाहर वाली भी बसती है। अच्छा वाह सरकार वाह, आ गए हैं हमारी महफिल में ये तीन यार, होने वाली यहां अब ग्रैंड मस्ती है। वेलकम, आगाज हो, शुरुआत हो। और सिद्धू भाई ने कहा कि हर शादीशुदा आदमी के दिल में एक बाहर वाली बसती है। हाँ बाबू जी प्लीज कैरी ऑन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रितेश, आफ्ताब, विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। इस टाइम ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पारिवारिक शो है, तो आपकी फिल्म भी कुछ ऐसी पारिवारिक है? एक्चुअली ये एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हो, लेकिन अगर अकेले अकेले जाकर देखो तो अच्छा। नहीं सिद्धू भाई, मतलब हम सब शादीशुदा हैं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब गृहस्थी में लाइफ फंसती है तब शुरू होती है ग्रैंड मस्ती। तेरी। और गृहस्थी में ये सबको पता है कि 6 महीने बाद दूसरे की बीवी ज्यादा अच्छी लगती है। आप तीनों लोग मस्ती के लिए बड़ा जाने जाते हैं, बड़े पॉपुलर है कि आप तीनों जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन इस बार हमने सुना है कि आप लोग मस्ती करने के लिए वापस अपने कॉलेज में चले जाते हैं। वैसे हमें कॉलेज से एक फोन आता है ओके कि आप कॉलेज रियूनियन एलुमनाई के लिए वापस आ जाइए और आपका जो प्रिंसिपल है आपको बहुत मिस कर रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वापस आके करो वो। इसी उम्मीद के साथ बीवियों को घर पे छोड़ के जब तीन लड़के कॉलेज जाते हैं जहां पर सिर्फ यंग खूबसूरत लड़कियां हो, बुजुर्ग 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 और फैमिली ऑडियंसेस हो। एक एक यार आपने को रिमाइंड करना पड़ता है कि ये फैमिली शो है और फैमिली शो पे इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप इनके जब कॉलेज देखो ना, इनकी कॉलेज की लड़कियां पता नहीं कहां से आती हैं, किसने एडमिशन कराई उनकी, मतलब अलग ही लड़कियां। जिन कॉलेजेस में हम पढ़े हैं 2-4 लड़कियां हैं, सारा कॉलेज उन्हीं के पीछे लगा रहता था। और ये कॉलेज भी बेसिकली ना जो मेट्रो सिटीज के कॉलेज होते हैं ना थोड़े डिफरेंट होते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं ना कभी माँ बाप, तो लड़की खुद इंट्रोड्यूस कराती, पापा मीट माय फ्रेंड वी इन सेम बैच यू नो, तो बाप भी बोलता है बेटे कभी घर आइए आप हैव अ कप ऑफ टी। हमारे वहां पर किसी को मिल जाए ना कॉलेज, ये कौन है लड़का पापा मेरे साथ पढ़ता है, पढ़ने जाती है दोस्त बनाने जाती, पहले तो थप्पड़ अपनी बेटी के मारते हैं फिर दो लड़के के मारते हैं, वो तो खैर माहौल ही नहीं होता, लेकिन इनका कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है। खैर इससे पहले कि मेरी पागल फैमिली यहाँ पे आए, हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं, तीनों के लिए जोरदार तालियां। मी तुझ्याशी प्रेम करतो रितेश। बुआ ये क्या कर रही हो आप? मैं ना मुर्गी बनकर आई हूँ। मुर्गी नहीं होता, मुलगी होता है। नहीं, अगर रितेश देशमुख जैसे मुर्गे को फंसाना हो तो मुर्गी बनना पड़ता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, बजा दो थोड़ा सा। वाह कितना अच्छा डांस किया मेरी बुआ ने, ऐसा लग रहा था रितेश, विवेक और आफ्ताब के साथ राहुल महाजन लड़की बनके नाच रहा है। चुप कर तू। आप ही बताइए हमारी जोड़ी पक्की ना? हाँ।
बुआ जी, जोड़ी पक्की का तो पता नहीं, लेकिन आपके सामने ये थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैं बिल्कुल आपके सामने कच्चा ही हूँ बुआ जी। बिट्टू, ये दोनों आदमी कौन है? आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब। बुआ जी बुला रही है। नमस्कार बुआ जी। तो बोल ले, नमस्कार बुआ, मत बोलो। मैं तो बहुत बुरा बोल दूं। मैंने ना आपको पहचान लिया। कहाँ से? वैसे रितेश जी, मैं ना आपके लिए तैयार होकर आई थी। आप मुझे एक बात बताइए, ये नीलिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बताइए आप। बुआ, हाँ, वो जेनेलिया डिसूजा है और तेरा सब कुछ सूजा है। बिट्टू, तू बीच में ना चपड़ 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 मत किया कर। श्री अमरीश पुरी जी ने कहा है, सिद्धू जी ध्यान फरमाइए, वाह, कि उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो फल भी दे और छाया भी। सरदार खुश हुआ। सुनिए, मैं ना आपके लिए इतना तैयार होकर आई थी, मुझे क्या पता था यहाँ दो कैंडिडेट और होंगे। नहीं 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 नहीं, कैसे? हम लोग हैं ही नहीं, सिर्फ रितेश जी हम लोग तो हैं ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का दिल नहीं तोड़ सकती है आफ्ताब जी। क्या है कि मैंने ना बहुत सालों से अपने स्वयंवर की तैयारी कर रखी है, सारी चीजें भी है मेरे पास। अच्छा है, थोड़ा यूज सी हो जाएंगी। रुकिए रुकिए, यही खड़े रहिए, एक मिनट रुकिए, आप ये पकड़िए, दो चीजें मैं भूल गई हूँ। चल भाग, चल भाग, 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 जल्दी भाग। आ गई। ये हमको मारने के लिए तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। आपके नैनों के तीर काफी हैं। ये देखिए, ये है मछली, ठीक है? आपने इस तीर कमान से तीर चलाकर इस मछली की आंख फोड़नी है। जिसने भी पहले निशाना लगा लिया वो स्वयंवर से मुझे जीत कर ले जाएगा। आर यू रेडी गाइज? पकड़िए, हट पीछे हो। एक काम करो, सीधा तीर भुआ की नाभि मारो, काम ही खत्म करो। इसकी आप बिल्कुल मत सुनिए। ये देखिए मछली, बस निशाना लगा दीजिए आप। बुआ जी, मेरी थोड़ी आंखें खराब है, मुझे मछली की आंख नहीं दिख रही है। मेरी आंखें खराब है। कोई बात नहीं जी, लगाइए लगाइए निशाना। अब बुआ तो दिख रही है, लगाइए। यार तुझे तुझे मछली की आंख दिखाई दे रही, मुझे मछली नहीं दिखाई दे रही, ये तू ले। एक काम करो ना, बुआ को मार दो, ये भी तो वेल मछली है, कौन सा कम है, इसको काट के बनाएंगे। विवेक 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 विवेक। बुआ जी, एक प्रॉब्लम है। हाँ क्या? वो क्या है ना, ये मछली है, मैं मार नहीं सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बिट्टू, सुन इधर आ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग बहाने बना रहे हैं? तुम ऐसे लग रहा है? हाँ। नहीं नहीं, बना रहे हैं। हाँ। तुम तीनों मेरे साथ मस्ती करने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारे साथ तीनों आनंद ना करे, वो क्या करेंगे? ओए विवेक, अगर पूछना है तो अपने डैडी सुरेश ओबराय जी से पूछो, कॉलेज के दिनों में वो मेरे साथ बहुत मस्ती किया करते थे। डैडी? यस, डैडी जी से पूछो, समझे? डैडी आप ऐसे निकले? जा रही हूँ मैं। डैडी कूल। बुआ, ये ले जाओ यहाँ से। एक्चुअली आप प्लीज बैठ जाइए, तीनों के लिए जोरदार तालियां। रितेश, विवेक, आफ्ताब, आपने फिल्म में जो मस्ती की है उसमें ये दिखाया गया है कि ये तीनों शादीशुदा हैं, लेकिन बाहर जाके यार दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करते रहते हैं, लेकिन आपकी बीवियों को आपसे प्रॉब्लम है कि आप उनको टाइम नहीं देते, या शायद आपको प्रॉब्लम है कि आपका रोमांस खत्म हो गया है शादी के इतने सालों बाद। तो वैसे ही हमारे पास कुछ लेडीज हैं, इनका उल्टा कहना है, इनका ये कहना है कि हम रोमांस करना चाहती हैं लेकिन हमारे हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो गया है। जी मैडम, आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, मेरा नाम बिंदु है, मेरे हस्बैंड का गैरेज है। अच्छा, तो वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, सारा टाइम गाड़ियों में ही लगे रहते हैं। ऐसे कुछ टिप्स बताइए कि वो गाड़ियों से ज्यादा मुझे प्यार करें।
किस तरीके के आपके पति रोमांटिक बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है, वो सारा टाइम गाड़ियों में बेचना कहाँ है, खरीदना कैसे, बस यही लगे रहते हैं और मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप श्योर है ना वो सिर्फ गाड़ियों पे ध्यान देते हैं? क्योंकि मुझे गाड़ियों के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं। बिंदु जी मुझे लगता है सबसे पहले तो क्योंकि गाड़ियों की बात आ रही है, कभी कभी बीवियां जो हैं वो भी अपने हस्बैंड को लिफ्ट देना भूल जाती हैं, तो आप उनको रेगुलरली लिफ्ट दिया कीजिए और उनसे कहिए कि देखो नए नए मॉडल तो बहुत आते हैं, आते रहते हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, विंटेज गाड़ी की भाव हमेशा ज्यादा ही रहते हैं। थैंक यू विवेक, थैंक यू विंटेज, सॉरी बिंदु, शुक्रिया जी। एक और मोहतरमा थी, जी मैम आप। मेरे मिस्टर बिजनेसमैन है। ओके, यू आर मैरिड टू अ मिस्टर, वाओ। जी मैम बताइए। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो सारा दिन अपने मुझे टाइम ही नहीं देते, पूरा दिन अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बिजी रहते हैं, बिजनेस में और फ्रेंड्स में। यार दोस्तों के साथ तो ये भी घूम रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीबी को प्यार नहीं करते, बीबी को भी प्यार करते हैं, लेकिन यारी दोस्ती ये गलत बात है। मैं भी एक आदमी होने के नाते भाई ये गलत बात है, बीवियों को दोस्तों से प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको क्यों प्रॉब्लम है दोस्तों? आप इनसे पूछिए ये दोस्तों के साथ घूमते हैं कि किसी और के साथ घूमते हैं। रितेश भाई आप अपनी शादी से पहले, जब आदमी की शादी नहीं हुई होती, आदमी मस्ती करता है यार दोस्तों के साथ घूमता है, आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम आई? कभी जिनेलिया ने कहा कि आप मुझे टाइम नहीं देते अपने दोस्तों के साथ घूमते, ऐसा हुआ? नहीं, जिनेलिया ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और है। वाह, तो जब भी मैं घूमता था तो वो मेरे साथ ही होती थी। किताब में लिखना चाहिए आंसर सब मर्दों के लिए, दिल बहलाने के लिए। तो आप उनको एक मैसेज दे दीजिए टीवी के तरफ से, आगे से पति कहे हाँ ठीक है, जिनेलिया जैसी पत्नी होती तो मैं भी दोस्त बन के रहता। मिस्टर मुकेश ने आपके साथ लास्ट लेटेस्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? मुझे याद ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया देखी ही नहीं है। इनको भी नहीं याद, इसका मतलब इंटरेस्ट इनका भी कुछ खास नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे देश की आम महिलाओं की प्रॉब्लम, लेकिन रितेश विवेक आफ्ताब आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग आपसे कुछ लाइव बातें करना चाहते हैं, तो आप एक एक करके अपना एक एक सवाल पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन पूछ रहा है? अरे वाह, हेलो आफ्ताब सर, हेलो विवेक सर, हाय रितेश जी। हेलो, अच्छा इन दोनों को हेलो, उनको हाय क्यों? आपका नाम क्या है? कमलेश। तो कमलेश इन दोनों को हेलो और उनको हाय क्यों? सर इनकी न्यू शादी हुई है तो उसके लिए कांग्रेट्स कर रहा था। तो इनकी शादी 1857 में हुई थी। चलिए ठीक है जी, आपका सवाल क्या है? सर इनसे मेरा ये सवाल था, पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा, मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया। थोड़ा बिजी था सर। हेलो हेलो, बेगानी शादी में कमलेश दीवाना। न्यू शादी हुई है, किसकी चलती है अभी घर पे? शादी नहीं हो या पुरानी चलती तो बीवी की है। सर आपकी शादी हो चुकी है? यस यस। आपके घर में किसकी चलती है? सर वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों सर? क्योंकि अगर मैं घर पे जाऊंगा अभी, अब मैंने बोल दिया मेरी चलती है तो फिर लफड़ा है, अगर बोला उसकी चलती है तो आज से उसकी ही चलना चालू हो जाएगी। कमलेश भाभी जी का क्या नाम है आपकी वाइफ का? महक। महक, अरे वाह, तो आपकी शादी को कितने साल हुए वैसे? 10 years। 10 साल हो गए? Yes. खुशबू अभी तक आ रही है? नहीं ये तो चलिए इनको भी पता ना कि मेरी वाइफ ने प्रोग्राम देखना है, नहीं तो अदरवाइज आप देखो इनके सवाल से ही इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही थी। आपके घर में किनकी चलती, ताकि ये बोलने की जिनेलिया की फिर कहे चलो मैं अकेला ही नहीं हूँ, सब ऐसी है। बेसिकली यही था। जोरदार तालियां कमलेश जी के लिए। थैंक्स जी। और कोई हमारे दोस्त मोहतरमा? अरे वाह, डेब्यू ग्लैमर इन अवर शो टुडेस एपिसोड। जी क्या नाम बताया आपने अपना? सनम। हाय माय सेल्फ बेलफा सनम।
जी सनम। My question is for Vivek sir. Okay. हाँ, अंग्रेजी। विवेक आपकी अभी अभी आप पापा बने हैं तो फिर भी अभी इतनी मस्ती अभी तो थोड़ी कम होनी चाहिए। सनम ऐसा है कि मस्ती है इसलिए पापा बने। क्या बात, वाह। चलिए सनम क्या करती हैं आप? I'm a student, law student. Law student? Yeah. तो आपने लॉ स्टूडेंट होके ऐसा इनलीगल सवाल कैसे पूछ लिया? In which year? Second year. Second year. First year की कुछ memorable moments हो? सब memorable moments ही रहते हैं। सारी memorable moments रहती हैं? Yes. पढ़ाई भी कर लिया करो। ये देखिए हमारे देश के वकीलों का हाल, सब memorable moments। तभी तो केस 20-20 साल पेंडिंग रहते हैं इंडिया में। ठीक है, थैंक यू सनम, थैंक यू सो मच। और कोई दोस्त हमारे? आओ भाई, येलो शर्ट। तो माय नेम इज राज। राज, आई थॉट जॉन्डिस। येलो शर्ट। यस राज। सो माय क्वेश्चन इज फॉर रितेश सर। सर आपके लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना इतना इजी था, फिर भी आपने एक्टिंग क्यों चूज की? मुझे जिंदगी में मुश्किल काम करना बहुत पसंद है। नहीं सर, मैं राज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। yes, आप बड़ी आसानी से हीरो बन सकते थे, फिर आपने ये सवाल ही क्यों चूज किया? क्या करते हैं आप? सर आई एम अ स्टूडेंट, TYBFM। क्या क्या कौन सा FM? सर बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये क्या करते हैं ये लोग? सर कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, वो डीलिंग उसमें, बाय एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। फेंक 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 फेंक। बैचलर फाइनेंस, ठीक है भाई, अच्छी बात है। बैचलर हो तो फाइनेंस भी अच्छा है। जिस दिन शादी होगी ना, तेरा फाइनेंस घुस जाएगा उसमें। आ गया वापस। चलो उस दिन तुम्हारे फाइनेंस में कुंडली मार के बैठेगी ना बीवी, फिर देखूंगा इस डिग्री का क्या फायदा है। बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू भाई, ये वाकई एक्सपीरियंस्ड आदमी है। जी और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी, मेरा सवाल आफताब जी के लिए है। एक सेकंड, सवाल ही पूछ रही है, नाम तो बता दो। ज्योति है। जी ज्योति, आपका सवाल किस से? मेरा सवाल आफताब जी के लिए है। जी वो तो सबको पता है कि आपकी लाखों दीवानियां है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस टाइप की लड़की पसंद करते हो? इनका मुझे पता नहीं, मुझे आप भी पसंद हो लेकिन। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग, यू आर जस्ट लाइक माई गर्लफ्रेंड, नथिंग एल्स। जी आफ्ताब। नहीं, मुझे एक सिंपल सी लड़की पसंद है। सिंपल मतलब बिना कांदे मसाले के? क्या बिना कांदे मसाले के? और अच्छा जी, समवन हु विल लव मी फॉर हु आई एम, नॉट फॉर व्हाट आई डू। आपको किस तरह का लड़का पसंद है? मुझे भी वैसे ही लड़का चाहिए कि जो मुझे पसंद करे। सिर्फ खाया पिया करो, नहीं तो ज्योति मुझे ऐसे लड़के मिलते नहीं है। नहीं नहीं, आजकल ऐसे लड़के होते हैं, प्लीज। होते हैं? कैसा लड़का तुम्हें कैसा चाहिए जो सिर्फ तुम्हें पसंद करे? हाँ, बाकी लड़के आप पता चलेगा कि उसके मन में कोई और भी है। मतलब सब शेयर करे ना, सच्चाई रहे उसमें। सब शेयर करे? सच्चाई क्या? मतलब वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब सब शेयर करे। वो क्या कर रहा है, मतलब वही सब सब शेयर करे। तो बॉयफ्रेंड भी तुम्हें औरत चाहिए बेसिकली, चुगलियां करने के लिए। कहाँ जाता है, क्या करता है फलाना, तुम शर्लक होम्स की माँ हो क्या? थैंक यू ज्योति। हाँ जी, और कोई भाई बंधु जो आइए? हेलो, हाय रितेश। हाय। मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। सॉरी, क्या बोला आपने? रितेश का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ मैं। आपके बहुत बड़े फ्रेंड हैं। और अपना इतना पिक्चर मैंने देखा निकले, अपना सपना मनी मनी में जो आपका कैरेक्टर था लेडीज का, वो मुझे अच्छी लग रही है। वो आप लेडीज में बहुत खूबसूरत भी लग रही है मुझे।
और मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन भी है आपका इट्स गुड नहीं तो आप देखिए इट्स यूनिक लोगों के क्वेश्चन होते हैं आपका क्वेश्चन है जी आपने जो शादी किया था हनीमून पे किधर गई थी आप तुम एक काम करो किस दिन टाइम निकाल के ना बाथरूम जाओ पहले तो वहां पे जाके थोड़ा माहौल चेंज करो वरना दिमाग पे गैस चढ़ी हुई और कुछ नहीं जी रीता जी मैं एक रुकी रिक्वेस्ट है आपका जी मैं आपका साथ थोड़ा डांस करना चाहता हूँ आजा किधर किधर जा रहे हो जा थोड़ी रहे कहीं वो हंस क्यों रहे हो इतना मुझे आपको देख के हंसी लग रही है आपको देख के हंसी नहीं उसको जुलाब बोलते हैं रितेश सर के साथ डांस करना है आपको जी जी आइए आप वाह अभी बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा यार ये हनीमून हनीमून शुक्रिया तूने बताऊं मेरे बस कर दे तू किधर जा चल तेरे बस बहुत हो गया शुक्रिया ब्रदर आपने टीवी पे जो दर्शक दे रहे हैं उनके साथ साथ इन तीनों का भी बड़ा अच्छा टाइम वेस्ट किया तो जैसे हमारे यहाँ पे आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं आपको पता है मेरे मोहल्ले में इतना लोग आपसे प्यार करते हैं मेरे को सुबह से फोन कर रहे हैं कहते हैं आपके पास यहाँ पे आने वाले ना रितेश आफताब विवेक हमें जरूर बुलाना मैंने किसी को बताया नहीं मैं हेलो चांद दे दूंगी गेट डाउन पहचानो हमको पहचाना नहीं इसमें तेल नहीं है ये चलने नहीं वाला है आप कहां से अंदर घुसाई है एक मिनट रितेश गुत्थी पालक आफताब गुत्थी पालक विवेक गुत्थी पालक कपिल यार ये गुत्थी सुझा आप लोगों ने हमें पहचाना नहीं हम जूनियर कॉलेज में साथ में पढ़ते थे कम ऑन एक्सक्यूज मी आप दोनों हैं कौन अरे पलक गुत्थी गुत्थी आप लोगों को कुछ याद नहीं है क्या
अपनी क्लासमेट्स हैं आप? हाँ हाँ, हम क्लासमेट्स हैं, हम साथ में पढ़े हैं। ये जो आफताब है ना, आफताब जो ना फिरते बड़ा सरा, इसका ना कॉलेज के बारे में सिद्धू भैया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सारे फंक्शन जो होते थे ना, मैं लड़कियों के सारे लड़कों के रोल करती थी और ये लड़का के सारे लड़कियों के रोल करता था। सच कह, सच में झूठ कह रही है? देखो याद आ गया। और ज्योग्राफी की क्लास होती थी ना, तो ये रितेश हमेशा मुझे घूर घूर के देखता रहता था। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरी खुद की ज्योग्राफी थोड़ी सी बिगड़ क्या गई, इसने अपनी केमिस्ट्री जेनेलिया के साथ सेट कर ली, वरना देशमुख परिवार की बहू आज मैं होती। देशमुख परिवार की बहू, तू तो पूरे देश की भी बहू बन जाए ना, तभी थोड़ी सी बहू बच जाए तुम में से। देशमुख परिवार की बहू बन। एक्सक्यूज मी, मैं तो आज भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। याद है वो हिंदी के सर ने एक बार तुम्हें मुर्गा बनाया था? हाँ हाँ, और तुझे भी मुर्गी बनाया था, और तू मुर्गी बन नहीं पाई थी, तब तू भैंस बन गई थी। प्लीज ओके। और तूने गोबर भी दिया था। वो गोबर नहीं था। एक्सक्यूज मी, आप जहाँ जाइए यहाँ इंटरव्यू। ऐसे कैसे जाएं? कॉलेज की रियूनियन हुई है, बिना डांस किए थोड़ी जा सकते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? डांस होगा। आर यू रेडी फॉर द डांस गाइस? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.